गुड मॉर्निंग दोस्तों, दी उत्तम कंप्यूटर्स वर्मा कर्पूरा हाउस एसपी वर्मा रोड में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक आधार किट का वीडियो बनाने वाले हैं, जिसमें आपको ये जानने के लिए मिलेगा कि पहले जो है सो जेमेल्टो कॉजेंट का जो आधार किट आता था उसका नाम सर बता रहे हैं कि अब बदल के आने लग गया। तो यही मैं सर से जानना चाहूँगा कि सर क्या ये सच में ऐसा कुछ हुआ है कि क्योंकि कस्टमर के अंदर कुछ कन्फ्यूजन इसको लेकर के हो गया है, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल से सर बताइए और कहाँ ये यूज होता है ये सब थोड़ा बता दीजिए सर। तो सर पहले जो छेल के नाम ये कोजेंट के नाम से आता था, कोजेंट के नाम से ये पहले आता था, जोमेटो वाले इसको हायर कर लिए हैं, जोमेटो वाले ने इसको हायर कर लिया लगा के। अच्छा अच्छा, इसको अपडेट वर्सन अपडेट कर दिए हैं, इसका अपडेट कर दिया गया, सॉफ्टवेयर इसका चेंज हो गया, सॉफ्टवेयर भी इसका चेंज हो गया, अपग्रेड वर्जन सारा कुछ वही है, मॉडल भी वही है। अच्छा, जोमेटो का ही है, जोमेटो का ही दिखा दे रहे हैं, सारा कुछ इसका यही रहेगा। तो आप देख सकते हैं आपके सामने इसको ओपन किया जा रहा है, कोजेंट ही है, कोजेंट ही है एक तरह से, वर्जन चेंज हो गया सॉफ्टवेयर का जी, इसका वर्जन बता रहे हैं सर कि चेंज हो गया है, अपग्रेड हो गया है जी। वो पहले वाला पुराना वाला कोजेंट का ही मॉडल यही रहता था, यही मॉडल से पहले भी आता था, CS500E मॉडल नाम से ही पहले भी आता था कोजेंट का जो आता था जी। इससे अंतर सिर्फ यही हो गया है जी, इसका जो है बायोस में सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया है। अच्छा, इसका सॉफ्टवेयर को अपडेट कर दिया, इसका अपडेट हो गया है जी, और इसका जो सारा कुछ सब कंडीशन वही है जी सर, बाकी सब कुछ वही है, चलता है। अच्छा, विंडोज 10 में ही ये चलेगा, विंडोज 7 में ये सपोर्ट, अच्छा विंडोज 7 में भी ये सपोर्टेड है एंड विंडोज 10 के अंदर भी ये चलेगा आपका, ठीक है सर। ये तो बता दिए सर, और बाकी सर ये कोजेंट वाला अब नहीं आता है क्योंकि बोल रहे थे कस्टमर लोग जो नहीं अभी कोजेंट का भी आता है, कोजेंट को ही नहीं ले लिया तो ये अच्छा, जोमेटो के नाम से बता दिया। जी जी बिल्कुल, तो इसमें जो है सो पूरी तरह से जी मार्केटिंग इसको जोमेटो वाला कर रहा है। मैं आपको एक कोजेंट का यहाँ पे ओल्ड मॉडल है वो आपको दिखा देता हूँ, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये ओल्ड कोजेंट और ये न्यू कोजेंट, तो दोनों में कुछ भी आप देख सकते हैं, करने वाला भी है, ऑफ ऑन करने वाला भी है, इसमें भी ऑफ ऑन है और सी वहाँ पे है, तो कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन वही है। और इसका सीरियल नंबर भी देखिए, इसमें आप सीरियल नंबर देख सकते हैं CS500E, इसमें भी है मॉडल नंबर, और इसमें कोजेंट लिखा हुआ है, कोजेंट सिस्टम जी, और इसमें जोमेटो लिख दिया है, मॉडल सेम है जी, इसमें 500E है, इसमें भी यहाँ देखिए जी, यहाँ 500E है जी बिल्कुल, तो दोनों का मॉडल नंबर सेम है, बस अलग अलग नाम से अब ये आ रहे हैं, केवल सॉफ्टवेयर इसका चेंज हो गया, तो सॉफ्टवेयर इसका चेंज कर दिया गया सर, ये बता रहे हैं हम लोगों को। तो आप जैसा कि जान रहे हैं कि अब जो है सो कोजेंट जो है पूरी तरह से बंद हो चुका है, और ये विंडोज 7 और 10 में अभी भी काम करता है, जोमेटो के नाम से आ रहा है कोजेंट, अब जोमेटो के नाम से आ रहा है ऐसा सर का कहना है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें ये बताया क्योंकि कस्टमर बहुत कंफ्यूज हो रहे थे, उन्हें केवल कोजेंट का ही किट बोला जा रहा था लेने के लिए बैंक वाले की तरफ से या ब्लॉक वाले की तरफ से, लेकिन अब इन चीज़ों को जी जी CSC वालों अवेलेबल नहीं इसलिए बोल देते हैं जी, नहीं चलेगा। अच्छा अच्छा, सॉफ्टवेयर अवेलेबल नहीं रहने के कारण वो बोल देते हैं ऐसा नहीं चलेगा, कई कस्टमर के जी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके सॉफ्टवेयर दे भी देते हैं जी जी, और अपना वो काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि सॉफ्टवेयर सर के द्वारा इंस्टॉल करके दे दिया जाता है और उसके बाद बहुत ही अच्छे से ये काम करता है, तो CSC सेंटर वालों को ये समझना होगा और बैंक वालों को या ब्लॉक वालों को ये समझना होगा कि केवल सॉफ्टवेयर से रिलेटेड इशू आता है तो उस इशू को यहाँ पे सॉल्व करके इसमें इंस्टॉल करके और दिया जाता है और बहुत ही अच्छे से ये धरल्ले से काम करता है, कस्टमर को चेक करा के यहाँ से मिल जाता है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है इसे चलाने में, और ये कोजेंट का ही आपको न्यू वर्जन है, तो आप इस बात को समझ लीजिए, तो किसी भी तरह की परेशानी नहीं होती है, यही किट आपको सेम किट है, आपने जैसा कि सर ने देखा सकते हैं आपको बता दिया हर एक चीज़। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को जैसा कि पहले भी हम लोगों ने ओल्ड किट और न्यू आधार किट के ऊपर वीडियो बनाया है, और इस किट के साथ में सर आयरिस कौन सा अभी अवेलेबल करा के देते हैं, कोजेंट वाला आयरिस भी मिलता है, CMI टेक कोजेंट का आयरिस बंद हो गया, उसके जगह पर नया
तो बहुत ही लाइट वेट रहता है, हल्का रहता है और वो बहुत फास्ट भी रिकॉग्निशन करता है। और पुराने वाले के साथ में सर, पुराना वाला आयरिस तभी अवेलेबल हो सकता है, पुराने वाले किट के साथ। हाँ, पुराने वाले के साथ में पुराना वाला कोजेंट आयरिस अवेलेबल हो जाएगा, लेकिन न्यू वाले के साथ में आपको न्यू कोजेंट नहीं मिलके सीएमआई टेक का न्यू वाला आयरिस आपको अवेलेबल होगा, क्योंकि कोजेंट का वो दोनों ही बंद हो चुका है। जी, तो न्यू वाले के साथ में जब भी हम लोग यहाँ से देते हैं तो सीएमआई टेक का आयरिस ही मिलता है। तो उसका सीएमआई टेक का सॉफ्टवेयर डेल्टा वाला सॉफ्टवेयर, डेल्टा वाला सॉफ्टवेयर उसके लिए यूज करते हैं। तो किसी भी तरह का अगर प्रॉब्लम होता है, आपको ऑनलाइन सपोर्ट भी चाहिए होगा, तो न्यू वाले किट के साथ अगर किसी तरह का प्रॉब्लम आता है तो यहाँ से ऑनलाइन सपोर्ट भी आपको एनी डेस्क के जरिए मिल जाएगा। तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप ले सकते हैं आराम से। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। तो इसी तरह से हम लोगों के अगले वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब आदमी को पता चल जाए। जी जी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की ज़रूरत है। पुराना थेल्स जो है नया में आया, वो थेल्स कोजेंट जो है जी, अब नए नाम से जोमेटो नाम से आ रहा है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जोमेटो का यहाँ पे लिखा हुआ भी है स्टिकर के ऊपर। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।